हेलो एवरीवन, दिस इज सुयेश हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे मैरो के नोट्स के और उसके लेटेस्ट नोट्स की 6.5 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हैं मैरो के नोट्स जो मुझे आज ही डिलीवर हुए, काफ़ी भारी डब्बा है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैंने टेप पहले ही रिमूव कर लिया था, इसमें लिखा हुआ नाइस टू मीट यू सेम हियर। इसके अंदर ये एक एनवेलप दिया गया है, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये स्टिकर्स हैं जिसमें एक तरफ आपका कार्टून कैरेक्टर्स हैं और साथ में डॉक्टर्स या मेडिकल फील्ड के स्टिकर्स हैं। साइड रखते हैं और क्या है इसमें, ये कुछ हाइलाइटर्स हैं। इसके अलावा ये स्टिकी नोट्स दिए गए हैं और इसमें कुछ बुक टैग्स हैं मैरो के, इस पर लिखा है पुट योर हर्ट इनटू इट, लगाना तो पड़ेगा ही, सिलेक्शन चाहिए तो। तो ये थी इसके इस एनवेलप में जो चीज़ें थी, इसके अलावा देखूँ और कुछ भी है। इसको साइड रखते हैं, नोट्स देखते हैं। तो नोट्स के जो कवर पेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे देख रहे होगे बिल्कुल मतलब रियलिस्टिक हैं, मतलब आपको लगेगा कि आपकी नोटबुक है, बिल्कुल आपने खुद बनाई है। तो जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट का आपको इसमें कवर पेज देखने को मिलेगा, जैसे कि फार्माकोलॉजी का है तो आपको दवाइयों के पिक्चर्स दिखेंगे कवर पेज पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको और अच्छे से देखते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड इसका कवर पेज बनाया गया, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आपकी नोटबुक है। इसके बाद इसके अंदर की बात करें तो जैसे इसमें अगर आपको वीडियोस आप देख रहे हो, आपको कुछ ऐड करना है तो साइड में स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अब मैंने नोट्स क्यों मंगाए, तो सबसे पहली चीज़ देखो नोट्स, पहले मैंने सोचा था कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में कि मैं नोट्स लिख लूँगा, ठीक है, उसका टाइम कम था, अगर टाइम था तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं लिख लूँगा। बट अब फाइनल ईयर में आया तो टाइम कम है और आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अब मैं नोट्स लिखूँ, ठीक है। क्योंकि एक घंटे की अगर आप वीडियो देख रहे हो फिर आपको आधा घंटा एक घंटा नोट्स बनाने में लग जाएगा, फिर उसको रिवाइज़ करना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, उससे टाइम भी वेस्ट होता है। इससे अच्छा 100 नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा सवाल कि आपको नोट्स खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में अगर आपको, तो आपको नोट्स लेनी चाहिए कि नहीं। तो देखो अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको नोट्स आप ट्राई करो कि नोट्स लिखो, ठीक है। बुक्स रीड करो सबसे पहले, तो नोट्स पर मत जाओ, टेक्स्ट बुक रीड करो, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपकी होगी, जैसे पैथोलॉजी होगी, हिस्ट्री, एनाटॉमी, ग्रीस पढ़ो, मेडिसी होगी, तो उन पर फोकस करो कि आपको थोड़ी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे होंगे आपके कॉलेज के, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप इन नोट्स पर रिलाई तो कर सकते हो बट लिखने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो तो आप नोट्स बिल्कुल मंगवा सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, दूसरा ये ड्रॉबैक है खुद से लिखने में नोट्स का, कि अगर आपको कोई इमेज होगी, जैसे इसमें कोई इमेज है, जैसे ये देख रहे होगे,
ये बेबी की इमेज है, तो उसमें कोई अगर आपको किसी डिसीज को लेकर साइन दिख रही है तो वो चीज़ आप अपने हैंड रिटन नोट्स में इमेज नहीं बना सकते, मतलब हर इमेज आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक वो ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है, प्रिंटेड, मतलब आप अगर खुद से लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब इसका कॉस्ट कितना पड़ा, इसका प्राइस क्या था, तो प्राइस लगभग 9700 समथिंग कुछ था, 760 था, ठीक है, विद टैक्स। और फिर इसके बाद इसको मतलब कौन कौन खरीद सकता है, तो जो प्लान सी के यूजर्स हैं, सब्सक्रिप्शन हैं जिनके पास प्लान सी का, वही नोट्स बाई कर सकते हैं। प्लान ए और प्लान बी के यूजर्स बाई नहीं कर सकते, और ना आप इसमें कोई इंडिविजुअल नोट्स मंगा सकते हैं, ठीक है। पूरे आपको नोट्स मंगाने होंगे तो पूरे 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स आएंगे, ठीक है। तो मैरो में आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के नोट्स ऑर्डर नहीं कर सकते, और विदाउट प्लान सी सब्सक्रिप्शन आप नोट्स ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है, मैरो के नोट्स के बारे में, कि कैसे दिखते हैं, क्या फीचर्स हैं, आपको कब मंगाना चाहिए, ठीक है, क्या प्राइस है। तो इसी तरह वीडियोज़, ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक